चोन प्रचार सिखरां ते है अजिहे विच जिथे आगू रैलियां कर रहे ने उथे ही आगू रैलियां विच जमा भीड़ तों उत्साहित हो के एक दूजे दे खिलाफ टिप्पणियां भी कर रहे ने। जिला संगरूर विच अकाली भाजपा उम्मीदवार सुखदेव सिंह ढींसा दे पक्ष विच रैली नूं संबोधन करन लई धूरी पहुंचे पंजाब दे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपने संबोधन विच आम आदमी पार्टी दी तुलना कोहड़ नाल कीती। उन्हां कहा कि आम आदमी पार्टी नूं कोहड़ दी बीमारी पैदा हुई है जो कि बहुत ही खतरनाक है। उधर आम आदमी पार्टी के आगू भगवंत मान ने इस ते टिप्पणी करदिया कहा कि जनता उन्होंने 30 अप्रैल नूं दस देवेगी कि कौन इस देश लई बीमारी है। धूरी विच श्रोमणी अकाली दल दे उम्मीदवार सुखदेव सिंह ढींसा दे पक्ष विच रैली नूं संबोधन करन दे लई पहुंचे पंजाब दे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने अपने संबोधन विच आम आदमी पार्टी नूं देश दे लई कोहड़ दी बीमारी दस्सिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जिसका एक बार दाल लग गया है तो उसकी सरकार बन गई पर एक महीना भी उन्होंने सरकार नहीं चली। उन्होंने कहा कि कदे कोई मुख्यमंत्री भी धरने दिंदा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस चोन विच एक भी सीट नहीं जीतेगी। नाल ही उन्होंने कहा कि जेकर आम आदमी पार्टी एक दो सीटा जीत भी लेंदी है तो इस नाल कोई ज्यादा फर्क नहीं पवेगा। आ दिल्ली च लोग कई बार एवं वार्ड से आ जाते हैं नारे आ जाते हैं और उन्होंने पार्टी सरकार एक महीना भी नहीं चली सरकार तो है ना इतना जल्दी किसी को मर्जी फिर इतने बाद वो गड्डी चला रूगा जरा ड्राइवर चंगा होगा वो चलाऊंगा फ्री दिना छोड़ के पीएम मिनिस्टर धरने मार लाते दसो मेरे चीफ मिनिस्टर ने भी धरने मारे मिनिस्टर थाने चढ़ा और आज मैं दादा देखते ना कि दिल्ली जितने भी सरकार बड़ी थी एक भी सीट जो ना देनी होगी आम पार्टी और फिर ये दो चार सारे जो तो आ जाएंगे तो फिर होगी की करनी होगी। देखो आप अपना फायदा देखना है। उधर आम आदमी पार्टी के आगू और संगरूर तो पार्टी की टिकट से चोन लड़ रहे भगवंत मान का कहना है कि अजकल मुख्यमंत्री बादल जो बयान दे रहे ने वह उन्होंने बौखलाहट है। कदे वह नरेंद्र मोदी नूं नरेश मोदी दसते हैं तो कदे मोदी नूं हराउण की गल स्टेज तो अपने भाषण दौरान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौन इस देश के लिए बीमारी है इसका फैसला जनता 30 तरीक नूं कर देवेगी। बाकी उन्होंने कहा कि 16 मई नूं इसका फैसला हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जब सुखबीर पार्टी के चोन प्रचार में दिल्ली गए सन तो कहते सन कि आम आदमी पार्टी को एक सीट भी नहीं मिलेगी पर बाद में जब दिल्ली में आपकी सरकार बनी तो कहने लगे कि प्रकाश सिंह बादल पंजाब का केजरीवाल है और हुण बादल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कोहड़ है। उन्होंने कहा कि मैं बाप बेटे को सलाह दिना है कि झूठ बोलने तो पहला सलाह कर लिया कर। बादल साहब मेरे ख्याल में आजकल कुछ ऐसे बयान देते हैं जिनका उनको खुद भी नहीं पता रहता। होशियारपुर में कहते थे कि नरेश मोदी को जिताओ और बाद में उसी भाषण में कहते थे कि मोदी हार जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो ये कौन बीमारी है, कौन इस देश के लिए बीमारी है, कौन इस देश से पैसे खा रहा है, कौन इस देश को उजाड़ रहा है, ये पब्लिक 30 तारीख को बता देगी। 16 मई को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सुखबीर बादल भी कहते थे जब दिल्ली इलेक्शन लड़ने गए थे कि केजरीवाल का हाल मनप्रीत बादल वाली पार्टी पीपीपी जैसा होगा, लेकिन जब उनकी सरकार बन गई तो वही सुखबीर बादल कहता था कि प्रकाश सिंह बादल पंजाब का केजरीवाल है। अगर प्रकाश सिंह बादल पंजाब का केजरीवाल है तो बादल साहब कह रहे हैं कि केजरीवाल कोहड़ है, तो पहले झूठ बोलने से पहले ये बाप बेटा प्लीज सलाह कर लिएगा। अपने बयान को लेकर जिथे मुख्यमंत्री ने एक बार फिर तो संगरूर विच शब्दी जंग छेड़ दी है उथे ही हुण देखना होगा कि जनता किस उम्मीदवार दीआं गल्लां तों प्रभावित हुंदी है अते किस दे पक्ष विच वोटिंग करके अपना उम्मीदवार चुन के लोक सभा विच भेजदी है। धूरी तो हर्ष कौशल नाल कौमिता मिन्हास जेएन नाइट न्यूज़। खबरां दी दुनिया विच आओ साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।